हम फौजी ऐसे हैं कि हम सरकार को हिला देंगे, आप आपको दिखाई नहीं दे रहा? सब लोग कहते क्यों, कर्नाटक में क्या किया, हिमाचल में क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या होने वाला आपको मालूम है? जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, शिवराज सिंह चौहान क्यों तिल मिलाए हुए हैं? मुख्यमंत्री जो है, माननीय मुख्यमंत्री क्यों मोदी जी को बुला के बोले भैया जल्दी से जल्दी फौजियों की मांग को मान लिया जाए, नहीं तो हमारी सरकार गई। और डंके की चोट पे कहता हूँ, सुन लो, बेशक हम चाहे वहाँ पे नहीं है, सरकार चली जाएगी। डंके की चोट पर बीजेपी, सुनिए पहले, डंके की चोट पर बीजेपी भी कह रही है कि हम ही आएंगे। नहीं आएगी मैडम, नहीं आएगी। आप दोबारा फिर हम तो, हमारा तो ये आंदोलन लगातार है। पीछे तो कोई भाई पॉलिटिकल पार्टी लिए, पीछे से पैसा आ रहा है इसलिए वो वहाँ पर बैठे हैं, नहीं तो हमें देखिए, अब हम गाली देंगे, कोई हरमजादा हमें एक पैसा नहीं दे रहा है, हमारे इस संस्था को कोई भी एक पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन सर आप इस बात को मानिए कि आप ही के यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ भूतपूर्व सैनिक हैं जो कह रहे हैं। कह रहे हैं मैडम एक दूसरे को, यही तो ये अफसरों की चाल है, हमें आपस में लड़वा करके, और चाहते हैं कि इनका किसी तरह से भी ध्वंस हो जाए, लेकिन नहीं होगा। जड़ से मर बोलते हैं ना, टच से मौसम होने वाले नहीं है। हमारी चंद्र का जो नाटक सुना है या देखा है कि नहीं देखा है, गाँव गाँव में होता है, चाहे धरती टच से मस हो जाए, धरती भी हिलती है ना, तब से मत हो जाए, हम अपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद। जंतर मंतर से आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो सैनिक पिछले कितने दिनों से बैठे हैं ये सब आप जानते हैं, आपने इनकी खबर भी देखी है। अब देखने की बात ये है कि ये लगातार बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमारी मांगों को जो है वो पूरा नहीं किया जाएगा। साथ ही कल इनका जो है वो कुछ अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भूख हड़ताल कर रहे हैं कि अब जो भी है इस पर हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या है, क्यों सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है, ये एकजुट हैं कि नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सैनिक अलग बैठते हैं इसी जंतर मंतर पर और कुछ अलग बैठते हैं, वो एक दूसरे पर आरोप लगातार ये लगाते आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि वो राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं तो कोई कह रहा ही है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर जब कोई राजनीतिक पार्टी से अलग अलग इनका कहना है कि नहीं जुड़े हुए हैं तो फिर ये एक दूसरे पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? वहीं अगर हम बात करें ऑफिसर्स की तो इनका ये कहना है कि इनके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इनके साथ स्कैम किया, धोखेबाजी की है। अब अगर सरकार जो है वो पैसा दे रही है, इन तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, तो आखिर ऑफिसर जो बीच में बैठे हुए हैं, जो सबका तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, आखिर वो क्यों कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं और किसने कहा है उनको करने के लिए, सबसे बड़ी बात है। आप जंतर मंतर पर बैठे हैं, सरकार ने जो है वो पैसे दे दिए हैं, आप तक नहीं पहुंचे हैं अभी तक। मैडम अगर पहुंचा होता तो हम जंतर मंतर पे धरने पे क्यों बैठते? पहले तो सरकार ने हमारी MSCP मार दिया, सबसे पहला गलती सरकार से हुई है, चाहे किसी की भी सरकार हो, ठीक है। 2006 की किसकी सरकार थी आपको भी पता है, उन्होंने पहला ही स्टेप जो है ना हमारा MSCP मारा, प्री एंड पोस्ट बना के। वही दूसरी गलती, ये केंद्र की सरकार जो है प्री एंड पोस्ट बना के हमारे एक ग्रुप को खत्म कर दिया। क्यों ऐसा किया, जब जहाज में आज भी मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट हैं, उनके हर टेक्नोलॉजी को हम जानते हैं। अगर सरकार के किसी भी अधिकारी में दम है तो मेरे 10 सवाल का जवाब गोगी मीडिया के सामने दे दे, ताकि हम उसके नॉलेज को देखें, परखें कि वो नॉलेजेबल है कि मैं नॉलेजेबल हूँ और जनता भी जाने। तो ऐसा क्यों एक ग्रुप को प्री एंड पोस्ट क्यों किया? क्या हम किसी अधिकारी से कम पढ़े लिखे हैं? हमारी नॉलेज नहीं है? अगर नहीं है तो 2015 में इसी राजनाथ सिंह जो माननीय रक्षा मंत्री हैं, इन्हीं के दौरान मैं पुनः HAL में जाकर के तहलका मचा के आया हूँ, ठीक है। 4 साल की अपनी टेनियर पूरी कंप्लीट करके वापस आया हूँ। अच्छा, जो आपके ऑफिसर्स लगातार, आपका ये कहना है कि पैसे की जो धोखेबाजी है या जो स्कैमिंग है वो आपके ऑफिसर्स ने की है? जी हाँ, ऑफिसर्स ने की है। हाँ, सरकार कह रही है कि हमने पैसे दे दिए, बीच में ऑफिसर जो बैठे हुए हैं। मैडम इसका मुख्य कारण ये है कि जो अधिकारी थे वो हमारे प्रतिनिधि को शामिल नहीं किए, तो सरकार ने बोला देखिए भाई हमारे पास 65,000 करोड़ रुपए हैं, आप अपने लोगों में इस तरह से बांटो कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन अधिकारियों ने इसका बंटाधार कर दिया, सरकार को गुमराह करके, हमें हमारा प्रतिनिधि न दे करके अपने आप जो है ना गुपचुप तरीके से अपनी मांगे पूरा करवा ली, जिसको हम बोलते हैं, कोई कह दे 1 रैंक ऑफिसर पेमेंट अगर ना हो तो बता दो। क्यों? क्योंकि 3%
जो है ना वो हैं, और हम 97% है मैडम। आप कैलकुलेशन कराओ, चाहे कोई भी कैलकुलेशन कराओ, हम जो है 97% हैं और वो केवल 3% हैं। लेकिन हक जहाँ लेने की बात है, जो भारत सरकार ने जो पैसे दिए उसका 17% केवल फायदा हमको मिला, और उनको बाकी कितना मिला ये आप खुद समझो। लेकिन अगर हम बात करें वीके सिंह की, तो वो तो कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 90% से भी ज्यादा तो पेमेंट था वो गया। देखिए मैडम, वीके सिंह साहब जो है ना इकोनॉमिकल जो है ना अगर सिचुएशन जानते तो वो उनके मुंह से ये आवाज नहीं निकलती, क्योंकि पैसा जो सरकार ने दी उसका कितना परसेंट वो ले गए, जो पैसा मिला उसका कितना परसेंटेज वो छीन के ले गए, बीके सिंह छीन के ले गए। अब मैं नहीं बोलूंगा, क्यों, किसी अधिकारी को हम भला बुरा आप कह ही नहीं सकते। हम डिसिप्लिन फौज हैं, हमें अनुशासन में रहना है, अनुशासन में रहते हुए किसी के अगेंस्ट में हमें नहीं, अनुशासन में रहते हुए। ये तो आपको लगता होगा ना कि अगर स्कैमिंग हुई है, पैसा हुआ तो कौन ले गया? हुआ है, उसका परिणाम वो लोग खुद भुगते हैं। मैडम मुझे नहीं बोलना चाहिए, इतना बड़ा हादसा हो गया जो सीरियस, जो इसी हमारे ही मुख्य था, वो क्यों गया? और 28 अफसरों की क्यों एक बैग जनरल लेवल के लोग मरे? आप समझ लो, जो किसी का हक छीनने की कोशिश करेगा भगवान देखता है वो कोई नहीं बचेगा। जो बचे भी हैं वो तड़प तड़प करके और हमारे पास आकर के बोलेंगे हमारी गलती हो गई है, माफ कर दो, क्योंकि उन्होंने अपनी पेट तो भर लिया, अब हमारे बच्चों को तड़पा तड़पा के मार रहे हैं, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। सरकार जो है वो लगातार आपके साथ है, आपको लग रहा है? देखिए मैडम, मेरे ख्याल से सरकार अगर साथ नहीं होती तो ओआरओपी मिलना नहीं होता। कुछ परसेंटेज तो मिला, हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं मिला? मिला है, हम दंगे की चोट पे कहते हैं, चाहे 1 हो या 2 हो, कुछ परसेंटेज तो मिला है, बेशक कम मिला है, लेकिन सरकार जो है ना अधिकारियों के कहने पे उनके हक में अधिक फैसला दिया, हमारे प्रतिनिधित्व नहीं रखे, जिससे हमें मुआवजा नहीं मिला। दंगे की चोट पर आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि आज यहाँ पे 4 महीना हो गया बैठे हुए हैं, कोई नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है आपका, बस आते हैं बैठते हैं अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं चले जाते हैं। नहीं मैडम, ये जो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 19 दी गई है, जो हर व्यक्ति को चाहे किसी भी पद पे बैठा हो वो अपनी उसकी स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके बदौलत हम जो है जंतर मंतर ही एक जगह चुना गया है। दुनिया में और भी, ये इंडिया में कहीं और भी अगर जगह होता जहाँ पे हम अपनी मौलिक अधिकारों के लिए रखने का जो है जगह होता तो हम वहाँ पे जाते, लेकिन यहीं पे दिया, यहाँ पे बैठ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अपना मौलिक अधिकार रख सकता है, अगर उसकी हनन होती है तो अपनी मांग को यहाँ से पुट अप कर सकता है। लेकिन अगर देखें तो सरकार कुछ नहीं करे ना, महज 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं होगी, आप बैठे हैं सरकार बैठी है, कुछ नहीं हो रहा है, आप आते हैं बैठते हैं चले जाते हैं। अभी बीते दिनों बरसात हुई, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको, ऐसे बारिश में खड़े रहे, कोई कहीं अपनी खड़े होने की जगह ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। मैडम आपको पता है हम फौजी हैं और देश के जो है, अरे वो ठीक है, आप फौजी हैं, आप ठंडी गर्मी बरसात सहते हैं, लेकिन आप यहाँ जंतर मंतर पर खड़े हैं, बात है आपके अधिकार की, क्यों नहीं सुन रही है सरकार? बोल रहा हूँ कि हमें ठंड गर्मी और बरसात तीनों में लड़ने का पूरा जो है ना हमारा जो है एक्सपीरियंस है। तो फिर ऐसे तो हमने सुनिए, अगर एक्सपीरियंस है इतना तो हमने ऊपर पल्ली जो है पन्नी क्यों तान रखा, फिर हम ऐसे बैठते हैं? नहीं, हम उनको इसलिए हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं कि एक न एक दिन जो है ना उनके जो है ना रोंगटे खड़े होंगे और वो जरूर हमारा हक। तो एक ना एक दिन अगर बात करें, देखिए हर एक चीज की एक समय सीमा होती है, ठीक है, एक ना एक दिन ऐसे बीता जाएगा, फिर 24 में सरकार आएगी, फिर ऐसे चलता जाएगा, फिर आप लड़ते रहिए। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे मैडम, हमने प्रण कर लिया है कि अपना हक लेके रहेंगे, और अब नहीं लेंगे तो कभी नहीं ले सकते, ये आप ध्यान करें, हम अभी रहेंगे, अभी अभी तुरंत मिलेगा, तुरंत नहीं तो मिलेगा, आप देख लेना 24 के पहले हमें मिलेगा, नहीं तो सरकार गई। अच्छा, हाँ ये गारंटी मेरी है। सरकार का, सरकार को हम अपने नहीं कर पाएंगे। अरे मैडम 10 करोड़ हम हैं, 10 करोड़ जैसे अभी देख रही हैं, मैंने पे मुझे खाली 10 लोग दिखते हैं, 10 करोड़ नहीं है, हमें इतने ही लोगों का अधिकार मिला है,
अदरवाइज जो ये दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ बैठी है, हमें उठा के बाहर नहीं कर देंगे। पहले आप लोगों ने परमिशन भी, तो अगर हम बात करें बीते दो तीन दिनों की, तो आपका परमिशन यहाँ पर सिर्फ 5 लोगों की मिली थी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम बड़े डिसिप्लिन से रहते हैं, फिर 25 लोगों को हंगामा कर रहे हैं। आप तो देख रही हो यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो बता दें कि कौन सा हमने ऐसा अपराध किया है जो वो हमारे को बाध्य हैं अरेस्ट करने के लिए। इसी जंतर मंतर पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं, वो हंगामा करते हैं, जो भी करते हैं अपना अपनी मांगों को रखते हैं, सरकार उनको सुनती है और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। आप ऐसे आए हैं, 4 महीना है बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, किसी तरीके से मजबूरी में आते हैं। इवन कुछ तो ऐसे सैनिक भी हैं, भूतपूर्व सैनिक, जिनकी तबीयत खराब हो गई, वो मजबूरी बेचारे लौट गए क्योंकि उनको कोई उम्मीद नहीं है। सरकार आप गिराने की बात करते हैं, सरकार गिरने से गई, वो कह रही है हम फिर आएंगे। मैडम एक बात पे ध्यान से सुन लीजिए, आज अगर गोदी मीडिया यहाँ पे आ जाए तो आप देख लेना ये मोदी जी के अगर रोंगटे खड़े ना हो गए। क्यों? गोदी मीडिया नहीं होने से आप लोगों का चैनल बहुत कम लोग सुन पाते हैं। अगर गोदी मीडिया आ जाए तो इस सरकार उसी दिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, मंत्री हैं, रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़े ही सभ्य और डिसिप्लिन फौजी हैं। और अगर हम दुखी हैं तो आप जानती हो जो हमारे ही सेना के लोग जो फौज में एक्टिव हैं उन पे क्या असर पड़ रहा होगा। अधिकारी तिलमिलाए हुए हैं, आज उनकी जो है अवहेलनाएं हो रही हैं, आज्ञा का अवहेलनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? आप तो ऐसे आप आएंगे यहाँ पर खाना पानी खाएंगे, नाश्ता करेंगे कि आगे भी कुछ रणनीति बनाएंगे? मैडम हम कल से तो भूख हड़ताल है, इसके बाद आगे देखना, भूख हड़ताल से भी सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, और उस जेल भरो आंदोलन से कोई भी सरकार हिल जाए, जेल भरो। अच्छा सुनिए, ऐसे भूख हड़ताल आप करेंगे, आपकी मांगों को सुन लिया जाएगा? आपको लगता है ये भूख हड़ताल अगर करने से मांगों को सुन लिया जाता तो रोड पर पता नहीं कितने लोग आज भूखे पड़े होंगे। एक चीज बताइए, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो टेढ़ा करना पड़ता है कि नहीं? सरकार खुद उसके लिए दोषी होगी। हमें अगर वो काम करने के लिए मजबूर करेगी तो हम वो भी करके अपनी मांग को मनवा सकते हैं। भूख हड़ताल करके क्या आप बताना चाह रहे हैं? दो चार मरेंगे इसमें, जैसे अभी कई लोग मर गए, कई लोग डेथ हो गया, ठीक है, इस तरह से जेल भरो आंदोलन करेंगे, कई लोग जेल की रोटी खाना नहीं चाहते। सुनिए, इतनी बड़ी जनता में अगर दो चार लोग नहीं भी है या सरकार के अगेंस्ट भी है तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है? पड़ता जेल भरने से कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है मैडम। सरकार जो है ना, हम फौजी ऐसे हैं कि हम सरकार को हिला देंगे। आप आपको दिखाई नहीं दे रहा? सब लोग कहते क्यों, कर्नाटक में क्या किया, हिमाचल में क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या होने वाला आपको मालूम है? जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, शिवराज सिंह चौहान क्यों तिलमिलाए हुए हैं? मुख्यमंत्री जो है, माननीय मुख्यमंत्री क्यों मोदी जी को बुला के बोले भैया जल्दी से जल्दी फौजियों की मांग को मान लिया जाए, नहीं तो हमारी सरकार गई। और डंके की चोट पे कहता हूँ, सुन लो, बेशक हम चाहे वहाँ पे नहीं है, सरकार चली जाएगी डंके की चोट पर। बीजेपी, सुनिए पहले, डंके की चोट पर बीजेपी भी कह रही है कि हम ही आएंगे? नहीं आएगी मैडम, नहीं आएगी। आप दोबारा फिर, हम तो हमारा तो ये आंदोलन लगातार है, उस दिन मैं आपको बताऊंगा। आपको उम्मीद है कि अब आप यहाँ से ऐसे बैठे रहेंगे, आपकी मांगों को सुना नहीं जाएगा? बिल्कुल, चाहे मार के चाहे वो जेल में भी डाल दे तो भी हम डटेंगे नहीं। मतलब आपको पूरी उम्मीद है सरकार सुन नहीं रही है आपको? जब हम अपने कफन बांध के फौज में नौकरी किया था तो ये भी कफन डाल के अपनी सारी जो है ना सब अपने काम छोड़ करके और यहाँ पे मरने के लिए ही आए हैं, ध्यान रखना। ये आप क्या समझते हो हमारा? आपकी उम्र घर में बैठने की, बढ़िया एसी लगवाइए, घर में बैठिए जैसे सरकार बैठी है। आप बैठी नहीं, कतई नहीं, हम किसी भी कीमत पे अब चैन की सांस नहीं लेंगे। जब तक हम चुपचाप बैठे थे, जैसे अभी कई फौजी ये सोच के बैठे हैं कि इन फौजी जो है ना हमारे दूसरे भाई तो धरने पे हैं, हम नहीं जाएं तो क्या होगा? मैडम ध्यान रखना, कल ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं कि जिन जिन लोगों ने इस प्रदर्शन में भाग लेकर के अपनी मांगों को लेकर के लड़ा है, उनकी मांगे पूरी हो गई। आप ही के कुछ के लोग फौजी ये भी तो कहते हैं ना कि हम भी उसी जंतर मंतर पर जाएंगे, वहीं बैठेंगे, लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि उनके पीछे तो कोई भाई पॉलिटिकल पार्टी लगी, पीछे से पैसा आ रहा है इसलिए वो वहाँ पर बैठे हैं, नहीं तो हमें देखिए अब हम गाली देंगे, कोई हरमजादा हमें एक पैसा नहीं दे रहा है, हमारे इस संस्था को कोई भी एक पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन सर आप इस बात को मानिए कि आप ही के यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ भूतपूर्व सैनिक हैं जो कह रहे हैं? कह रहे हैं मैडम एक दूसरे को, यही तो ये अफसरों की चाल है, हमें आपस में लड़वा करके और चाहते हैं कि इनका किसी तरह से विध्वंस हो जाए, लेकिन नहीं होगा। जड़ से मर बोलते हैं ना, टच से मौसम होने वाले नहीं है। हम हरिश्चंद्र का जो नाटक सुना है या देखा है कि नहीं देखा? गांव-गांव में होता है, चाहे धरती टच से मर्स हो जाए,
धरती भी हिलती है ना, तरस मत हो जाए, हम अपने जवान पे अड़े हैं तो अड़े ही रहेंगे। अभी दो दिन पहले मुझे यहाँ पर एक सैनिक मिले थे जो यहीं बैठे हुए थे, वो उनका ये कहना था कि वो आपके वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे आप लोग धरना दे रहे हैं, कहते हैं कि भाई लाइए हम भी सिग्नेचर कर दे, हम भी अटेंडेंस कर दे कि हम यहाँ पे प्रेजेंट है। आप लोग उनको रजिस्टर ही नहीं देते हैं, जब वो भी सैनिक है, वो भी MSP के लिए मांग कर रहे हैं, वो भी ORP के लिए मांग कर रहे हैं, तो क्यों आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं कि उनको कुछ रजिस्टर नहीं दे रहे, उनको वहाँ पर बैठने नहीं दे रहे हैं? आपने ध्यान नहीं दिया, जो किसी और पार्टी का सदस्य है या उसके वजह से आकर के अपने आप को अपना प्रतिनिधि, वो इनको पता चल जाता है। क्या आप समझती हैं हमें हर तरह की ट्रेनिंग होती है कि मेरे साथ कौन है और अगेंस्ट में कौन है, क्या मुझे पता नहीं है? हम तब फिर किस लिए फौजी हैं? फौज का ही एक ऐसा व्यक्ति है जो हर तरह की जो है ना चीजों को जानकारी रखता है, चाहे वो CBI की तरह की इंटेलिजेंस हो या रात तरह की इंटेलिजेंस हो, कौन देश का है, कौन विदेश का है, कौन आतंकवादी है, हर तरह का हम नॉलेज रखते हैं। जब आप हर तरह की नॉलेज रखते हैं, देश विदेश पे ध्यान रखते हैं, तो आपको ये भी ध्यान होगा कि केंद्र सरकार ने कितना काम किया है, कितनी बार अभी वो आ सकती है, ये भी तो ध्यान होगा। मैडम देखिए, जब हम एकदम स्टेप बाई स्टेप पे हम जा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को सही ढंग से लागू करेगी। वो देखना चाहती है कि इनमें कितना दो फाड़ है, पहले दो फाड़ हम दूर करेंगे। आपस में सब कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी भाइयों को कि जितने भी हमारे फौजी भाई हों, कृपया ध्यान दो, आप अलग अलग संगठन बना के अलग अलग राज्यों में रह रहे हो, सारे लोग मिल करके एकजुट हो जाओ, चाहे गलती किसी की किसी भी पक्ष की तरह हो, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना इन्वॉल्व रखते हुए। सुनिए, पहले वो कह तो रहे हैं कि एकजुट हो जाओ, आप ही लोग तो नहीं मान रहे हैं? नहीं, मान रहे हैं, कौन बोल रहा है, बोलो अभी गए थे आप, अरे हमारे सामने की बात है, गए थे वहाँ पे, वो भेजे हुए थे हरियाणा के कांग्रेस के भेजे हुए प्रतिनिधि थे, हमें मालूम नहीं है? वो आपको करें, आप भेजे हुए, आप उनको करें, आप भेजे हुए। देखो ये जो अभी नई संस्था है ना, बिल्कुल मैं तो जानते हो मैं किसी का मेंबर भी नहीं हूँ, किसी भी पार्टी का मैं मेंबर नहीं। तो यही कह रहे हैं, लेकिन ना मैं चंदा भी दिया हूँ इनको, एक पैसे की चंदा भी नहीं देता हूँ किसी को, लेकिन हमें परख है, हमें मालूम है, हमें सूझबूझ है कि कौन हमारे फेवर में है, कौन हमारे अगेंस्ट में है। ये जो है हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक है, जिन्होंने बताया कि इन्हीं के गुट के जो लोग हैं वो दो पार्टियों में बटे हुए हैं, कोई यहाँ बैठता है, कोई वहाँ बैठता है। ऑफिसर्स की भी बात इन्होंने की बताया कि ऑफिसर जो है वो किस तरीके से पैसा खा रहे हैं। ये अगर हम बात करें इनके यहाँ की, तो इन्हीं के यहाँ के कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं, लगातार कहते हैं, बार बार कहते हैं, और वो भी डंके की चोट पर कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इनके पीछे लगी है, और ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी इनके पीछे लगी है। अब देखने की बात ये है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी लगी किसके पीछे है, और पीछे से पैसा किसको आ रहा है। जंतर मंतर से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।